हेलो, मैं सची हूँ। मैं यूएस से आई हूँ और ये मेरे दिल्ली ट्रिप का अराउंड हाफ वे पॉइंट है। तो आज हम लोग एक जगह देखने जाएंगे जो उतनी वेल नोन नहीं है, पर इसका खाना बहुत अच्छा है। रिव्यूज़ इतने अच्छे आए हैं फ्रॉम एवरीबडी आई नो जो वहाँ पे गए हुए हैं। तो आज हम लोग आपके साथ जाएंगे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये जगह क्या है और यहाँ का खाना कैसा मिलेगा हम लोगों को। तो आइए। आपको अभी सबसे बड़ा हिंट देने वाली हूँ मैं। ये जगह सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, प्रगति मैदान में। तो आप सोचना शुरू कीजिए अभी कि आपको कौन कौन सी जगह मालूम है प्रगति मैदान में जो सुटेबल फॉर ईटिंग है, जहाँ पे खाना बिकता है, खाना मिलता है। आप सोचना शुरू कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। जिस जगह हम लोग आज आपको लेके जाएंगे, एक पूरी कॉर्नर है लोकेटेड इन वेरी सेंट्रल दिल्ली। हाँ, मोस्ट पीपल ये जगह को सराउंडिंग्स के बारे में और इस जगह के बारे में सोचते भी नहीं हैं दो बार। ये बहुत सारे लोग हर दिन उसके पास जाते हैं। हम लोग आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा। मैंने सुना है सब लोगों से जो वहाँ पे गए हैं, उस जगह का एम्बियंस, उस जगह का सराउंडिंग्स, लोग सब अच्छा है। हाँ, तो आज हम लोग आपके साथ जाएंगे और आप भी हम लोगों के साथ देखिएगा कि हम लोगों को क्या मिलेगा वहाँ पे। अभी दिल्ली में विंटर है, बहुत ठंडा है और आज हम लोगों को घर पे कुछ बनाने का मन नहीं था, तो हम लोग आ जाए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान के कैफ़े लोटा में। आज हम लोगों के साथ आप भी आइए और देखते हैं हमारा दिन कैसा जाता है। कैफ़े लोटा शिल्प संग्रहालय के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स, स्टैचूज, ये सब मिलेंगे, कार्विंग्स मिलेंगे। ये सब मिडिवल एंशिएंट है, बहुत सुंदर है। ये जगह भी पीसफुल है, क्वाइट है। तो अगर आपको ये देखने आना है, डेफिनेटली आप आइए।
I would definitely recommend this place to anyone and everyone who wants to have especially the breakfast inside Pragati Maidan in a very cozy corner. So absolutely recommend this place. सब खाने का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो खाने का एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा था. कैफ़े लोटा इज़ आई वुड से अ हिडन जेम विच इज़ इनसाइड प्रगति मैदान. व्हाट थिंग्स वी लाइक्ड हियर वाज दिस रागी वड़ा पाव इज़ वेरी गुड. द बन इज़ रियली सॉफ्ट एंड द फिलिंग इज़ जस्ट परफेक्ट, नॉट वेरी स्पाइसी, सो इट वुड अपील टू ऑल पैलेट. दैट्स नाइस. साबुदाना वड़ा पाव, साबुदाना पॉपकॉर्न वो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से बैलेंस था. पैनकेक इज़ वेरी गुड, मस्ट ट्राई. एंड द लस्सी बहुत ही बैलेंस थी, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं थी, बहुत ब्लैंड भी नहीं थी. सो ऑल इन ऑल एंड द चाय, ऑफ कोर्स चाय इज़ वेरी गुड. सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. Cafe Lota has great food options. I am very happy that they have healthy food options. They have ragi pancake, they have ragi burger, and they have some options with oatmeal also. So jinko packaged processed items maida wagera nahi pasand hai, this place is absolutely recommendable. I was surprised to see the menu being so health conscious, and there are vegan options as well. Mujhe personally yahan ka sabudana popcorn bahut acha laga, and there was this kanda burger sort of a thing that was also great. My kids ate the pancake which was made of ragi, so double stars for that. And the lassi was amazing, the chai without sugar was brilliant. It's good that they didn't add sugar to it. So we tried most of the dishes, and I think all of them consistently were great in quality and in taste. हम लोगों ने कैफे लोटा से अभी खा लिया है, खा खा के हम लोग फुल हो गए हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द फूड वॉज कि वो इतना हेल्दी था. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या आपको कोई इश्यूज हैं जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते ऐसा वैसा, उनके पास सब स्पेसिफिकेशंस है. अगर आप वीगन हैं उनके पास बहुत एक अच्छा वीगन मेन्यू भी है, आपको ये डेफिनेटली ट्राई आउट करना पड़ेगा. एज मैंने पहले बोला था, हम लोग खा खा के स्टफ्ड हो चुके हैं अभी, तो आप हम लोगों के साथ चलिए. हम लोग थोड़ी देर वॉक करेंगे खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और हम लोग ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे इंडियन हेरिटेज दिखाया जाता है विद अ रेंज ऑफ स्कल्पचर्स, स्टैचूज एंड अदर थिंग्स.
आपको बताती हूँ एक वेरी स्पेशल चीज़ ये म्यूज़ियम के बारे में जो आप प्रॉब्ली नहीं जानते थे इसके पहले। इस म्यूज़ियम की इनसाइड एक म्यूज़ियम है और बहुत सारे डिफरेंट गैलरीज हैं जिसमें ओल्ड पेंटिंग्स, ओल्ड स्कल्पचर्स, स्टैचूज, आर्टिफैक्ट्स, मिडिवल आर्टिफैक्ट्स, वैसे वैसे सामान हैं। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री देखना पसंद है तो आप ये डेफिनेटली आके चेकआउट कीजिए, बस लोटा कैफ़े के लिए नहीं पर ये म्यूज़ियम के लिए भी, क्योंकि ये बहुत सुंदर और बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है। अगर आपको लगा था कि यहाँ पे बस आपकी म्यूज़ियम जर्नी और खाने की जर्नी एंड होती है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे बस म्यूज़ियम और खाना नहीं मिलता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी गिफ्ट शॉप है जहाँ पे बस एक ही नहीं मल्टीपल शॉप्स हैं ओन्ड बाय मल्टीपल पीपल, और सब सामान यहाँ पे जो बनता है लोकली मेड है एंड इट इज़ फुल्ली इंडियन। तो यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि क्या क्या मिलता है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे हैंड पेंटेड ऑर्नामेंट्स, हैंड पेंटेड बॉक्सेस, पेपर मशे के डेकोरेटिव आइटम्स, पेपर मशे के बोल्स, पश्मीना शॉल्स, वॉर्म जैकेट्स, वेस्ट्स, और मैं आपको वापस बोल रही हूँ सब यहाँ पे बना हुआ है, सब लोकली है, और दिस इज़ अ ग्रेट वे टू सपोर्ट इंडियन पीपल एंड आर इकोनॉमी। डेफिनेटली आपको विजिट करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे बस यही नहीं है पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ पे एक लोकगीत आया है जो लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है हर एक घंटे, बस हर एक घंटे नहीं, आप वहाँ पे बस आके बैठ जाइए, परफॉर्म करेंगे, बहुत सुंदर आवाज़ आती है उन लोगों से, उन लोगों का इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब हिंदुस्तानी। तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कीजिए। अगर आपको म्यूज़ियम गिफ्ट शॉप्स पसंद नहीं है तो आप वहाँ पे जाइए फूड के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, एम्बियंस के लिए, वहाँ के गाने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ आप वहाँ से सीख सकते हो। So we are at Cafe Lota and the cultural center near it. हम लोग अपने फैमिली के साथ एक ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, बट दिस एक्सपीरियंस हैज़ बीन सुपर्ब। इट्स अ सनी डे, विंटर्स, इट्स वेरी पीसफुल एंड काम, कोई क्राउड नहीं है, देर इज़ म्यूजिक गोइंग इन द बैकग्राउंड एंड लवली कल्चरल सेंटर्स लाइक अ हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, फोर्ट ऑफ राजस्थान, सो मेनी स्मॉल थिंग्स फॉर किड्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग प्लेस एज वेल हियर।
बहुत ही सीरीन है, पीसफुल है. आई वुड सजेस्ट दैट दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर अ संडे आफ्टरनून ब्रेकफास्ट एट कैफे लोटा फॉलोड बाय अ लेजी पीसफुल टाइम एट द कल्चरल सेंटर नियर इट विद द किड्स. आई टोटली रेकमेंड दिस प्लेस टू एवरीवन. अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है दोस्तों, तो हम लोग आपको देखेंगे एक और वीडियो के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए सोशल्स फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. तो बाय बाय चुस्की गैंग. लेमन चुस्की, लेमन चुस्की, लेमन चुस्की. लेंगे लचारे घर, लेंगे लचर दमरुआ.